जी शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। मैं लाजवाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप किश्तवाड़ तशरीफ लाए और जो हमारी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। ये होगा कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में अगर दलित कश्मीर की बात की जाए कुल मिलाकर दलित शासन तो कांग्रेस पार्टी का क्या देना है, मतलब किस पे क्या फाइट करना है? जी मैं आपको सबसे पहले एक स्पष्ट कर दूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस टाइम 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक नेशनल है। जबकि एक रूल होता है प्रोजेक्ट्स का जो लोकल लोकल डेवलपमेंट के लिए एक फंड स्पेशल होती है जिसके लिए हॉस्पिटल बनता है, जिसके लिए स्कूल बनते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा होता है, बिजली फ्री होती है, पानी फ्री होता है, लेकिन बदकिस्मत से यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम कम से कम 5,000 जो था यहाँ पे लोकल वर्कर वो इन प्रोजेक्ट में होना चाहिए था। जैसे डमडोरू में जेपी कंपनी है, डोल में इफकान है, पटेल है, एलएनटी है, तो यहाँ पे पिक एंड चूज करके इस टाइम जो है लगाया जाता है। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूँ, मैं इसमें इंद्रवाड़ा डिस्ट्रिक्ट काली किश्तवाड़ की बात नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जिसमें इस टाइम जो है 14 ब्लॉक्स आते हैं जिसमें इंद्रवाड़ भी और किश्तवाड़ भी है, दोनों ब्लॉक्स में क्या आपके पास ड्राइवर नहीं है, क्या आपके पास हेल्पर नहीं है, मैकेनिक नहीं है, मेसन नहीं है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, आपके पास प्लंबर नहीं है? लेकिन ये लोग भी बाहर से लाया जाता है, जबकि ये कहा गया था कि 80% लोकल एम्प्लॉयमेंट और 20% जो है बाहर की एम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। हमारे इंद्रवाल से अगर 500 बंदा प्रोजेक्ट में लगा होगा उसमें 20 बंदा लगा होगा, जो एक ऑफिशियल जो फिगर है, जो हमारी ऑफिसर है वही किश्तवाड़ की, मेरे कुछ संख्या जो बना हमने डाटा लिया था, आपने डाटा लिया था, तो उसके मुताबिक यहाँ पे जो है अप्लाईमेंट हो रही थी एज एंड टुडे की तीसरा साल प्रोजेक्ट का चला, अभी तक ऐसी अप्लाईमेंट नहीं हो रही है। पिक एंड चीज और सुपारशी लोग वहां लगे जाते हैं, जबकि पिछली बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, फॉर्म भराए उस धूप में उस सर्दी में, लेकिन सिलेक्शन के बाद वो लिस्ट रोकी गई और किस बिना पे रोकी गई, किसने रोकी है वो अभी तक मालूम नहीं हो पाया। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो बेस पे किस बेस पे वहाँ पर सिलेक्शन हो रही है, वो या तो सिफारसी वहाँ पर सिलेक्शन हो रही है या फिर कोई और कर रहा है, आखिर कौन कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप, कौन ऐसा कर रहा है? आपको पता है इस टाइम सरकार किसकी है जी? किश्तवाड़ से लेके धीरे धीरे देखिए आप सरकार किसकी है, किसी कहने पे क्या आ जाता है? क्या कांग्रेस के यहाँ एमएलए नहीं थे? क्या यहाँ नेशनल कांग्रेस के एमएलए नहीं थे? अगर एमएलए होते इस टाइम वो सब पार्टियों के होते हैं, एक एमएलए जब बनता है उसके लिए बीजेपी भी है, पैंथर पार्टी भी है, कांग्रेस के भी लोग हैं, एनसी के लोग भी हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, हर लोगों को एक ही नजर से देखो। जब आप चुन के आते हो आप ये किसी को दावा नहीं कर सकते हो कि मुझे खाली बीजेपी ने वोट दिया या मुझे खाली का, मैं जब चुन के आया सरपंच जी मुझे वहां लोगों ने मिलकर लोगों ने वोट दिया, जब मेरी मिसेज यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन बनी पूरे ब्लॉक मुगल मैदान के लोगों ने 5,000 वोट लेके आया, तो मुझे मैं कहां दावा कर सकता हूँ कि मुझे खाली कांग्रेस ने वोट दिया, वहां के आवाम ने वोट दिया चुन के आए। मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे अभी नेशनल हाईवे, आप नेशनल हाईवे का रिजल्ट दीजिए ना, आजकल आरटीए का जमाना, आप देखिए काम किसको दिया रहता है, आप देखिए ठाठरी में काम किसको है, द्रापशाला में काम किसको है, प्रेम नगर में काम किसको है, ये तो पीक एंड चूज पॉलिसी है ना। अगर पीक एंड चूज पॉलिसी होगी तो फिर जमहूरियत आपका ये जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो है ही नहीं ना, ये तो खाली कागजों में। मैं चाहता हूं मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि इन प्रोजेक्टों को कम से कम जो बेरोजगार है यहां के नौजवान जो पढ़ा लिखा, आप यकीन करेंगे परसों हमारे पास एक इंजीनियर आया, उसने रोया कि मेरे बाप ने 4 लाख में मेरी जमीन बेची थी और मुझे पढ़ाया, मैं बीटेक करके हूं, मुझे चपरासी की नौकरी दिला दो, उसने हाथ जोड़े और बड़ी शर्म की बात है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे लोग ट्रेन है, टेक्निकल ट्रेन है यहाँ पे, उनको नहीं लगाया जाता है, जिनका लेटर होगा जिनका फोन होगा उनको लगाया जाता है, ये बड़ी बदकिस्मती दौर है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहता, लेकिन साथ साथ में हमारी बदकिस्मती क्या है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई हुकूमत नहीं है। मुझे एक मिसाल है, किसी लीडर की याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनने कहा था कि तानाशाही ऑफिसर तानाशाही मुलाजम से मरी हुई हुकूमत बेहतर होती है, क्योंकि जहां अपनी इंसान फरियाद पेश करे वो तो है ही नहीं ना। अब मुझे लग रहा है जो डिलिमिनेशन कमीशन यहाँ आया है, प्रोसेस चला है इलेक्शन का, हो सकता है अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएंगे, एक नया दौर आएगा, नई बहार आएगी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देर आया दुरुस्त आया,
तो आपका कहना दे रहा है दोस्त है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ पर कांग्रेस वजूद में आकर जो काम रुके हुए हैं वो करने की कोशिश करेगी? जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं दावा करता हूँ। वो इसलिए दावा करता हूँ कि लोग हवा है, लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आजाद साहब की कयादत में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ होगा। अगर 5 साल की हुकूमत होगी जो यूनिटी में होती है वो 2.5 साल की होगी, अगर 6 साल की अगर स्टेट हमें वापस मिलती है फिर 3-3 साल की यहाँ हुकूमत होगी। कांग्रेस इस बार कोशिश करेगी 20 से ज्यादा सीटें लेने की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एनसीपी 20 से 25 के ले जाएगी, तो हमें फिर किसी की सपोर्ट जरूरत है। लेकिन देखने में आ रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा एक बैकबोन माने जा रहे थे वो एनसी के लिए, वो हाल ही में जो एनसीपी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है या कह रहे हैं वो अफवाहें फैल रही कि यहाँ पर जो है बाकी पार्टियां जो खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी रूप में आ रही है, तो आपकी पार्टी का क्या मौका है? मैं आपको बता दूंगा, शिबी दोन बीजेपी में है, पैंथर पार्टी अपनी पार्टी में जाएगी, जब लोग ही नहीं मेरे साथ होंगे तो शिबी दोन को क्या वहां पे मालाएं पहनानी है? तो बस इसी में जवाब आपका आ गया, जब लोग हैं सब कुछ है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक है तो सब कुछ है। हाँ, अगर आपको अपना बिजनेस के हिसाब से जाना है, आपको अपनी जो आप कारोबार करें उसके साथ जाना है, तो अगर मैं 30 साल अपने कांग्रेस में दूंगा और 31 साल में मैं बीजेपी या पैंथर या अपनी पार्टी में जाऊंगा, लोग भी समझते हैं इसको अपने बात के लिए गया कि जब एक बहार होती है तब सारे इंसान इकट्ठे होते हैं, जब मौसम सर्दी आती है तो लोग छुप जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी अगर आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ जनाब, मैं आपको बता दूंगा मैंने कांग्रेस तब ज्वाइन की ना सरकार थी ना एमएलए था ना मंत्री था, मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा जबकि कांग्रेस एनसी बीजेपी सारे मेरे खिलाफ थी, मैंने अगेंस्ट इनके इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब देखा मैंने एक सेकुलर पार्टी जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बराबर चलाती है, मैंने उसी पार्टी को चुना जो एक पब्लिक फिगर है, जो पूरी हिंदुस्तान की पार्टी है, वो खाली मेरे बगल बड़ा बगल मजा या किश्तवाड़ या द्रापशल या सरोड सर्थल या बोजवा द्रापशला ठाकराई आपका भद्रवा बलेसा आपका डोडा रामबन की पार्टी नहीं है, मेरे पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जो कई सालों से चल रही है, और इंशाल्लाह आप देखिए अगर मार्च में इलेक्शन होते हैं आपको मई में हम एक नया बहार देंगे जम्मू कश्मीर में। चाहूंगा तो मैं आपसे आखिर में पूछूंगा कि जो यहाँ पर किश्तवाड़ के जो नौजवान उनके लिए आपका क्या पैगाम? मेरा किश्तवाड़ के नौजवानों को ये है कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, सोच समझ के इस बार आप चुनाव में उतरिए और उस पार्टी को चुनिए, उस नुमाइंदे को चुनिए जिस नुमाइंदे ने आपके साथ अच्छा किया हो, जिस नुमाइंदे ने आपकी रहबरी की हो, जिस नुमाइंदे पे आपका भरोसा होगा कि वो जात पात धर्म दीन कुरान गीता ये सब साइड पर रख के काम करेगा पब्लिक के लिए, उसी नुमाइंदे को चुनिए और एक नई बहार शुरुआत कीजिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ में कि जो ये आज एक माहौल है ये नहीं रहेगा, मैंने आपको कहा अगर मार्च अप्रैल में रश होंगे और मई में हम नई बहार देंगे, इसी के साथ शुक्रिया।